बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऋतिक रोशन को बॉलीवुड का ग्रीक गॉड कहा जाता है। एक्टर अपने लुक्स और एक्टिंग दोनों से फैंस को इम्प्रेस कर चुके हैं। एक्टर ऋतिक रोशन ने कहो ना प्यार है से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं, वो बचपन में बहुत शरारती थे और इसकी वजह से वो मार भी खा चुके हैं। दरअसल ऋतिक रोशन ने अपने बचपन के बारे में कपिल शर्मा शो पर खुलासा किया था। इस दौरान बचपन से जुड़ा एक किस्सा उन्होंने सुनाया था। कपिल ने एक सवाल पूछा था कि अमीरों के बच्चे भी शरारती होते हैं क्या और उनकी भी पिटाई होती है क्या। इस पर ऋतिक रोशन ने कहा था, मैं बिल्डिंग के 13वें माले पर रहता था और मेरे छत पर कुछ खाली बोतलें रखी थी। मेरे मन में आया कि कैसे ये बोतलें नीचे गिरेंगी तो कैसा लगेगा। ये जानने के लिए एक एक करके बोतलें नीचे फेंकना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी बताया था कि वो बोतलें किसी को लगी नहीं, लेकिन इसके बाद उनके पिता ने उनकी काफी पिटाई की थी। बता दें कि आज उनके बर्थडे पर उनकी आगामी फिल्म विक्रम बेदा का फर्स्ट लुक जारी किया जाएगा। ये फिल्म विक्रम बेताल की ऐतिहासिक कहानी पर है। इसमें सैफ अली खान विलेन का रोल प्ले करते दिखेंगे। दरअसल ये फिल्म तमिल फिल्म विक्रम बेदा का हिंदी रीमेक है जो साल 2017 में आई थी। इसमें आर माधवन और विजय सेतुपति थे। वहीं ऋतिक की आने वाली फिल्मों की बात करें तो सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म फाइटर में दीपिका पादुकोण के साथ मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। दोनों पहली बार साथ में काम करेंगे। कमेंट में बताइए और भी ज्यादा ऐसे ही हर रोज सिनेमा जगत से जुड़ी खबरों को देखने के लिए प्लीज चैनल को